श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सिमटाव कहाँ होता है? मंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जाशु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पंडित जी कहते थे कि ध्यान देकर सुनो। हम लोग ध्यान देकर पढ़ते थे। मोटे से मोटा काम भी ध्यान देकर करना पड़ता है। हलवाहा ध्यान से हल नहीं चलावे तो बैल को फार लग जाएगा। बिना ध्यान के कुछ नहीं होगा। ध्यान किसको कहते हैं? मन के पूरे सिमटाव को ध्यान कहते हैं। सिमटाव कहाँ होता है? जहाँ कुछ बांट न हो, वह ऐसा कुछ है जिसको बाहर में नहीं देख सकते, वह है बिंदु। देखने का काम दृष्टि से होता है। देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। इसको जो समेटने के लिए जानता है, समेट लेता है, उसको पूरा पूरा ध्यान होता है। श्री राम, श्री कृष्ण या देवी माई की मूर्तियां एक ढंग की नहीं देखी जाती हैं, पर गुरु का रूप तो प्रत्यक्ष ही देखते हैं। मूल ध्यान गुरु रूप का ध्यान है। गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। जो ज्ञान में बढ़ता जाता है, अर्थात जो ध्यान में आगे बढ़ता है, उसके काम क्रोध आदि विकार कम होते जाते हैं, तब वह बड़ा हो जाता है। जिसमें कोई विकार नहीं है, वह है ईश्वर। जो ईश्वर को प्राप्त करता है, वह वही हो जाता है। यह है ध्यान की महिमा। गुरु को पहचाने, गुरु की बताई साधना विधि से साधन करना चाहिए। बिंदु ध्यान और शब्द ध्यान सूक्ष्म है। शब्द को कोई नहीं देखता है, उसको ध्यान में पकड़ता है। अंदर के शब्द का ध्यान वहां पहुंचा देता है जहां शब्द नहीं है। शिष्य हो करने वाला, इस वास्ते शिष्य को सच्चा होना चाहिए। शिष्य अपने गुरु से जानकर करते करते पूर्णता प्राप्त करता है। सबकी जड़ है सत्संग। सत्संग में गुरु चुनने का ज्ञान होता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन महर्षि मही के दिनचर्या उपदेश से लिया गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।